मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, मैं हूं महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। तो पहले शुरुआत करते हैं जो समुद्री तूफान ताऊते था इस समय उसका क्या हाल है। तो आपने देखा कि 17 तारीख की रात को इसने लैंडफॉल किया था गुजरात पर, लेकिन उसके बाद ये सुबह तक सीवियर साइक्लोन था और दोपहर में साइक्लोन बना और उसके बाद आज सुबह ये एज ए डीप डिप्रेशन दक्षिण राजस्थान के ऊपर स्थित है। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और मध्य राजस्थान में आते आते डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और ये इसका ट्रैक देखिए, अब ये दिल्ली के आसपास या उत्तर पूर्वी राजस्थान में आते आते लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। तो बात हम पहले इसी की करते हैं। तो गुजरात में भारी से अति भारी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। और अगर बात करी जाए तो ये जब इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में डेवलप हुआ था एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन, उसके बाद लो प्रेशर एरिया बना, वेलमा लो बना, डीप डिप्रेशन बना और साइक्लोन बनने के बाद बहुत जल्दी ये वेरी सीवियर साइक्लोन बना, यानी इंटेंसिफिकेशन इसका बहुत तेजी से हुआ। तो ये केरल में तबाही मचाते हुए कर्नाटका, बेलगावी, इन सारे इलाकों में इसने तबाही मचाई। गोवा में भी इसने पहली बार, क्योंकि ये जो समुद्री तूफान था ये तट के केवल काफी करीब से आगे बढ़ता रहा इस तरह से, यानी कि बाकी जो तूफान हमने देखे हैं वो तट से थोड़ा सा दूर जाते हैं जिससे कि जो पश्चिमी तट को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन ये लगातार समानांतर जो पश्चिमी तट थे उससे आगे बढ़ता रहा, इसीलिए ये पूरे इलाके में तबाही मचाता रहा। केरल से लेकर के कर्नाटका, गोवा में भी 500 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए और काफी ज्यादा नुकसान हुआ। मुंबई में आपने देखा था कि 17 तारीख की दोपहर से शाम तक भारी बारिश हुई और बहुत ज्यादा तबाही इसने मचाई, और जब लैंडफॉल किया तो गुजरात के भी कई इलाकों में, दीव और अमरेली और उसके आसपास काफी ज्यादा इसने तबाही मचाई। लेकिन अब क्योंकि बारिश की गतिविधियां इस इलाके में कम होना शुरू हो जाएंगी, गुजरात में और मुंबई वगैरह में भी कम हो गई है, अब और ज्यादा कमी आएगी, लेकिन जो गुजरात के जो उत्तरी जिले हैं इन इलाकों में अभी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब ये जो साउथ राजस्थान है इस इलाके में बारिश अभी है, अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियां जो मध्य राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की तरफ बढ़ेगी और हमें उम्मीद है कि अब ये कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, इन सारे इलाकों से होती हुई जो अजमेर है, जयपुर है, सवाई माधोपुर और धौलपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां अब बढ़ सकती हैं। और अब उत्तर की बात करते हैं, तो क्योंकि इस साइक्लोन के प्रभाव से जो नमी आ रही थी, यानी कि इस तरह से ये हवाएं घूमती हैं जो अरब सागर से नमी उत्तर भारत में पहुंच रही थी, तो कल हमने देखा दिल्ली एनसीआर सहित बाकी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां देखी गई, मौसम सुहावना हो गया, तापमान गिर गया। आज हमें उम्मीद है कि ये लो प्रेशर एरिया इस जगह आ गया है, एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर पर है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर है और यहां से एक ट्रफ रेखा पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के पास होते हुए इस लो प्रेशर एरिया तक आ रही है। तो आज दिल्ली एनसीआर सहित हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है और कुछ इलाकों में, खास करके हरियाणा में, तेज बारिश के साथ बिजली गरज चमक होगी और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश होगी। हालांकि हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और जैसलमेर वगैरह में बहुत हल्की बारिश या केवल बादल छाएंगे, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो इसी इलाके में देखने को मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में भी लाइट टू मॉडरेट रेन, अच्छी बारिश हो सकती है और उत्तर पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है इस इलाके में बारिश की गतिविधियां ज्यादा होंगी, लेकिन जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना कई इलाकों में है, मूसलाधार बारिश हो सकती है, बिजली गरज चमक हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है और जो उसके आसपास के इलाके हैं यानी हिमाचल प्रदेश के, इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा रहने की उम्मीद हमें नजर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की बात भी करते हैं कि जो सेंट्रल इंडिया है, यानी मध्य प्रदेश में कल काफी ज्यादा अच्छी बारिश हुई थी, अब धीरे धीरे बारिश में जो पूर्वी मध्य प्रदेश से कम होकर के उत्तरी और जो उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश है इसी इलाके में, यानी कि गुना, साजापुर, दतिया, मुरैना, ग्वालियर, इन इलाकों में सीमित हो जाएगी। लेकिन अब ये बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को प्रभावित करना शुरू करेगी। हालांकि जो बारिश की गतिविधियां इतनी हैवी नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये लखनऊ, कानपुर, फुर्सतगंज और गोरखपुर, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं और बिहार के भी कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश अब होने की संभावना है। हालांकि झारखंड में काफी हल्की बारिश होगी, छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां कम ही रहेंगी, उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल में भी ना के बराबर बारिश होगी, मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा, हल्की फुल्की बारिश एक दो स्थानों पर हो सकती है। सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना नजर आ रही है।
अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में अब केरल में आज भी बारिश है, यानी कि केरल और कर्नाटका के तटीय इलाकों में लाइट टू मॉडरेट, जो प्री मानसून शावर आपने साइक्लोन से पहले देखे थे, उस तरह की बारिश अब होती रहेगी। हालांकि मूसलाधार और तबाही वाली बारिश अब देखने को नहीं मिलेगी जब तक मानसून नहीं आता, लेकिन आंतरिक तमिलनाडु में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, बेंगलुरु वगैरह में हल्की बारिश होगी, तेलंगाना के कुछ इलाकों में और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर के ये जो तटीय आंध्र प्रदेश है इस इलाके में मौसम लगभग शुष्क बना रहने की संभावना है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ अंडमान सी पर बन रहा है, जिसके कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतियां बढ़ी हैं, अब और ज्यादा बढ़ेंगी और ये हो सकता है कि एक आध दिन के अंदर लो प्रेशर एरिया बन जाए और धीरे धीरे म्यांमार लो प्रेशर एरिया बनके अभी जो ट्रैक दिखाई दे रहा है वो इस तरह से म्यांमार की तरफ जाएगा, लेकिन इसके बारे में हम आपको अपडेट बता दे रहेंगे कि ये किस तरह से आगे बढ़ेगा। कई लोग पूछ रहे हैं कि साइक्लोन बनेगा कि नहीं, लेकिन अभी इतनी जल्दी कहना मुश्किल है कि बंगाल की खाड़ी में ये जो लो प्रेशर एरिया बनने वाला है वो क्या रुख दिखाएगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। प्रदूषण की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।